बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अगले दिन के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले दिन मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट डाउन और अप। नमस्कार, मैं हूँ रोहित द्विवेदी और आज आपको मैं बताऊंगा कि बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है या निफ्टी की प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है, क्या क्या वो अप्रोच होगा जिससे आप मार्केट को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाओगे। सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे कि टेक्निकल और फंडामेंटल। हम लोग ये वर्ड सुनते रहते हैं, टेक्निकल्स है, फंडामेंटल, लेकिन ये है होता क्या है, ये है क्या एक्चुअली। टेक्निकल्स में हम उन चीजों को देखेंगे जिसमें सिर्फ प्राइस का काम होता है, जैसे कि हाई है, लो है, क्लोज है, ओपन है, तो मार्केट को इन्हीं के बेसिस पे रिसर्च की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन बनाए जाते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि टेक्निकल जो रास्ता है वो कैसा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट डे के प्रिडिक्शंस के लिए। दूसरे नंबर पे आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल ये होता है कि न्यूजेस, मार्केट में करंट सिचुएशंस क्या है वर्ल्ड वाइड भी और अपने खुद के देश के अंदर या नेशनल लेवल पे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे कि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, जैसे कि आरबीआई पॉलिसीज हो गई, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, इन्होंने कुछ नई चीजें बताई, कुछ नए जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया या कुछ भी चीजें, जैसे जीडीपी डेटा, ग्रोथ रेट, ये सब चीजें। तो ये एक फंडामेंटल अप्रोच होता है मार्केट के नेक्स्ट डे के प्रिडिक्शंस के लिए। कई बार हमारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं और हमको इजीली आसानी से प्रॉफिट मिल जाता है अगले दिन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। टेक्निकल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल अप्रोच के लिए दोस्तों सबसे पहला काम है कि आपको डे चार्ट फॉलो करना होगा। डे चार्ट ऐसे फॉलो कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, बार चार्ट, लेकिन डे चार्ट में आपको इम्पोर्टेंट यह है कि किस तरीके के इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, क्या वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, प्राइस एक्शन अप्लाई करें या इंडिकेटर्स अप्लाई करें, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि जब भी हम टेक्निकल अप्रोच करते हैं तो हमें मार्केट में टॉप और बॉटम का अप्रोच रखना चाहिए। यानी मार्केट अगर बहुत ज्यादा हाई पे है तो हमें अगले दिन के लिए उसे बाय करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि सही में बाय है कि नहीं। और अगर मार्केट में बहुत तेज गिरावट है तो अगले दिन के लिए भी हम उसे बेचें या सेल पे रखें, इसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके रिवर्सल पे काम करते हैं, यानी अगर मार्केट हाई पे और अगले दिन आप टॉप पे उसको सेल कर देते हो, तो अगले दिन उसके थोड़े से रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही एक टाइम होता है ट्रेडर के बेनिफिट का। सिमिलरली जैसे मार्केट जब गिर रहा होता है और हम उसको ओवरनाइट बाय करके रखते हैं, तो अगले दिन जो मार्केट है थोड़ा बहुत उसके रिवर्सल या रिकवरी करने के प्रोसेस होते हैं और उस केसेस में हमको बड़े प्रॉफिट बन जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल अप्रोच की। अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी बैंक का ग्राफ है और ये वन डे का ग्राफ है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक साइनसोइडल फॉर्म में गया है, यानी अप गया है, देन डाउन गया है, देन अप गया है, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन और अप जा रहा है। तो अभी जो व्यू है, जो कि अपकमिंग प्रिडिक्शंस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि अप साइड का ट्रेंड आ रहा है। अब यहाँ पे रिवर्सल कह सकते हो, आप इसे रिवर्सल कह सकते हो, ठीक है। तो मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ जाने के लिए रेडी है, और जब भी हम मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए, उसको हम अप साइड के लिए प्रिडिक्ट करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हम ट्रेड लगाएंगे वो बाय साइड पे ही लगाएंगे। अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे यहाँ पे, यही ग्राफ को हम थोड़ा और अपडेटेड बनाया है। यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर भी यूज किया है जिसका नाम है जिग जैग इंडिकेटर, ठीक है। जिग जैग आप लोग इसे अपने टेक्निकल चार्ट पे लगा सकते हो, जिग जैग इंडिकेटर टू सेटिंग पे। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि आपके जो टॉप और बॉटम है उसको क्लियरली मेंशन कर देता है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाले जगह पे ये अपसाइड का व्यू दे रहा है। तो टेक्निकल अप्रोच जो है, टॉप और बॉटम वाला अप्रोच, खासकर लो पे बाय करना और हाई पे सेल करना, ये बहुत पहले से, बहुत समय से किया जा रहा है, करते हैं और लोग सफल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको सही तरीके से करने का जो तरीका है वो ये वाला तरीका है। आप जिग जैग लगा सकते हो या फिर अपने से खुद से भी बना सकते हो, और इससे आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो मार्केट जो है एक पिछले कैंडल में अच्छा खासा अप था, और आज भी मार्केट हाई पे ओपन हुआ है, अप साइड पे ओपन हुआ है। तो
तो इससे आपको क्लियरली जो नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन है वो देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकल बहुत शानदार अप्रोच हो सकता है। और दोस्तों अगर हम इसे कम टाइम फ्रेम पे करते हैं तो इसके लिए हम मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम लोग 200 डेज का SMA यूज किया है, सिंपल मूविंग एवरेज। SMA का फायदा क्या होता है दोस्तों कि जब भी प्राइसेस अगर SMA के ऊपर चल रही हो, जैसे यहां पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे क्लियरली बाय की तरफ जाना चाहिए, बाय की तरफ मेंशन होना चाहिए। और अगर उसके नीचे चल रही हैं लगभग, जैसे ये वाले सोर्स पे आप देखेंगे, तो हम यहाँ पे डाउन की तरफ अपने ट्रेड को भी ले सकते हैं। तो टेक्निकल अप्रोच में हम लोग मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, प्राइस सेक्शंस का यूज कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उनका यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टॉप एंड बॉटम अप्रोच कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है। ठीक है, तो ये रहा टेक्निकल अप्रोच। दोस्तों लगभग 10 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने जनरली फंडामेंटल के लिए जो चीजें यूज की है और अभी भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा, वो है एक वेबसाइट जिसका नाम है investing.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जो आपको ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल फंडामेंटल और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशंस को बताता है प्रॉपर तरीके से, लाइव आपको रिजल्ट देता है, लाइव आपको कोट्स देता है, जिससे आप ग्लोबल मार्केट से जुड़े रह सकते हैं। मैं खुद जो यूज करता हूं और मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा, कि जब हम फंडामेंटल अप्रोच रखते हैं तो मार्केट को हम कैसे प्रिडिक्ट करें, इसके लिए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखते हैं, खासकर जैसे नैसडैक हो गया, डाउ जोन हो गया, या यूरोपियन मार्केट हो गए, या फिर आपके चाइना मार्केट हो गए, इनकी सिचुएशंस क्या है, इनको हमको एक नजर बना के रखना होता है। जरूरी नहीं कि हम इन पे ट्रेड करें या हमें इनमें कुछ करना है, बस इनकी सिचुएशन देखना है कि कितने परसेंटेज इसमें तेजी है या गिरावट है। अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जनरली जितने भी मार्केट हैं उनमें एक तेजी दिख रही है, तो आपको इंडियन मार्केट में बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट इन सबसे बेहतर है, रिटर्न्स के मामले में भी और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी। तो अगर ग्लोबल मार्केट में तेजी है तो नो डाउट इंडियन मार्केट में तेजी होना ही है। सिमिलरली अगर ग्लोबल मार्केट में डाउनफॉल है और सारे ग्लोबल मार्केट रेड में है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी होता है और इंडियन मार्केट जो है वो डाउन की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो फंडामेंटल के लिए आप लोग हमेशा अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए investing.com, और वहां से आप ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर बनाकर भी फंडामेंटल अप्रोच रख सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट नेक्स्ट डे के लिए, या तो मार्केट रनिंग होता है, जैसे आज मार्केट रन हो रहा है 3:30 के पहले मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि कल मार्केट क्या होगा, और बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं ओवरनाइट, मतलब रात में जब मार्केट बंद होता है रिसर्च करते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा। तो उस हिसाब से दो तरह की प्रिडिक्शंस की जाती है मार्केट के लिए। तो जब हम रात में प्रिडिक्शन करते हैं तो उस समय हमको investing.com की ग्लोबल न्यूज और ग्लोबल मार्केट कंडीशन बहुत हेल्प कर सकती है अगले दिन के मार्केट ओपनिंग के लिए।